हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैन के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, ट्रोजन वॉर इज हैपन। तो आफ्टर ये जस्ट 10 मिनट्स बचे हुए, अब सब जने एक साथ अटैक करने वाले इस ट्रोजन वॉर के अंदर। आप देख सकते हो ऑलरेडी अटैक स्टार्ट हो चुके, थोड़ा बंदे जल्दी जल्दी 50 सेकंड जल्दी अटैक्स करने लग गए। तो भाई चारों तरफ अभी देख सकते हो अटैक स्टार्ट हो चुके एंड अभी मेरे को भी अटैक करना है, तो चलो मैं भी अटैक पर जाता हूँ। गाइस एवरीवन इज इनटू द अटैक और व्हाट, लेट्स गो। सो गाइस सब अटैक पे आप देख सकते हो जाने लग गए, अटैक इज ऑलरेडी स्टार्टेड गाइस एंड इट्स इंटरेस्टिंग। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फॉर सम थंबनेल टाइप ऑफ अ थिंग एंड लीव इट। चलो मैं नंबर 4 क्लियर करना है, अब अपन नंबर 4 पे अटैक कर देते, जल्दी से 3 करते, फिर आके बाकी स्कोर देखते क्या होगा। मतलब मैं 3 तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कन्फर्मली 3 हो ही गया है, बट स्टिल यार अपना ट्राई पूरा रहेगा तो 3 क्यों नहीं होगा ब्रो। कोई दिक्कत आ रही है क्या बाबू ब्रो? चलो कम ऑन, फ्लेम फ्लिंगर से लेकर के सब कुछ हो गया यहाँ पर। फर्स्ट वॉल भी अपन ने ओपन कर दिया है, थोड़ा सा फनलिंग क्रिएट करना पड़ेगा। एक आर्चर वगैरह मैं डिप्लॉय कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर एक अच्छा सा अमेजिंग सा फनल मेरे लिए क्रिएट हो जाए। बट यहाँ पर एक्सबो वाला भी प्रॉब्लम यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा मेरे लिए, सो वो दिक्कत है। चलिए यहाँ एक बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय कर लेते हैं एंड यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे को बस जैसे ये डाउन होगा मेरे को क्वीन डाल के वार्डन को इधर बुला लेना है एंड किंग वार्डन सब कुछ अपन यहीं से डालने वाले डबल। अरे आइस गोलम मेरा हवा में उड़ गया यार, अरे हवा में उड़ता जाए ओ मेरा आइस गोलम। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी गो द रेज। एक फ्रीज करना पड़ेगा, वॉल ब्रेकर आ जाएगा। यहाँ मैं एक जंप डालूंगा, यहाँ डालेंगे अपन एक ये पॉइजन के साथ में। हियर वी गो द वार्डन एबिलिटी इन टू द कोर एंड अभी के लिए तो सब बढ़िया, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है किंग वगैरह की एबिलिटी बचे हुए, अब यहाँ एक रेज स्पेल का यूज करेंगे विद द किंग्स एबिलिटी एज वेल एंड भाई सब कुछ सही जा रहा है। अभी के लिए मैं एक फ्रीज यहाँ कर दूंगा, एक रेज करना पड़ेगा टीएच के ऊपर ताकि टीएच यहाँ से इजिली टेकन डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वीन के साथ ही रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट एंड सिज अपने ये फ्लेम फ्लिंगर के पीछे से अपन एक डिप्लॉय कर लेंगे अपना। हियर वी गो वन मोर रेज ताकि क्वीन यहाँ से ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए प्रोवाइड कर जाए। डबल विजर्ड यहाँ डाल लेते हैं, क्वीन कम ऑन हिट दे दे, थोड़े बहुत तो हिट दे दे। अरे ऐसे नहीं चलेगा क्वीन, ऐसे नहीं होगा ना ब्रो। चलो बढ़िया है ये सब, तो किंग अभी भी जिंदा है, क्वीन के पास एबिलिटी भी बचा हुआ है, रॉयल चैंपियन डिडिंग अ ग्रेट जॉब। ये मैं थोड़ा पीछे वाली साइड में डाल लेता हूँ अपने क्लियरिंग ट्रूप्स को। क्वीन हैज़ द एबिलिटी एंड अभी मेरा फ्लेम फ्लिंगर आएगा, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा वो एंड किंग अब आगे जाएगा, सब बढ़िया। चलो मैं ये फोड़ लेता हूँ, अब ज़्यादा देर वेट करूँगा तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनने वाला। सो यहाँ पर एक्सबो भी टेकन डाउन हो चुकी है, किंग बचा हुआ है, येटीज जा रहे हैं। तो अब देखता हूँ मेरा अटैक 3 होगा या कुछ हाई परसेंटेज अटैक जा करके रुक जाएगा, आई डोंट नो। क्वीन यहाँ से शॉर्टली टेकन डाउन होने वाली है एंड देखते अभी येटीज वगैरह बचे हुए, एक जंप स्पेल के कारण से सारे स्केलेटन वगैरह यहाँ से टेक डाउन हो गए, वो एक अच्छी चीज हुई है। बट यहाँ से अब वॉल तोड़नी पड़ेगी और इलेक्ट्रो टाइटन कितना यहाँ से जाकर के आगे की तरफ जाकर मेरे लिए डैमेज क्लियर अप कर पाएगा, क्योंकि अभी 30 सेकंड बचे हुए, कहीं ना कहीं ये टाइम फेल अटैक भी हो सकता है या 3 हो जाएगा। अब वो तो आप सभी को टाइम के साथ में पता चल जाएगा, बट यही इशू है, एक ही इशू है इस अटैक के अंदर पूरा का पूरा, वो है एक इकलौता टाइम फेल। बट आई डोंट थिंक सो कि टाइम फेल होने वाला है बिकॉज ये स्टोरेज ऑलरेडी लो एचपी है। अब दो बिल्डिंग्स बची हुई है, सो आई होप मेरी तरफ से मेरा फर्स्ट अटैक यहाँ पर हो जाएगा 3 स्टार एंड अब बाकी अपोनेंट्स का देखना पड़ेगा क्या होगा। बस 99 ना अटकना भाई। चलो अपन ने अपना बेस क्लियर कर दिया है, 3 कर दिया है, बाकी अभी वॉर्स में देखते क्या हो रहा है भाई। काफ़ी 3 स्टार्स हो गए हैं और काफ़ी अटैक्स चल रहे, ऑलरेडी 110 स्टार हम स्कोर कर चुके हैं। चलिए मैं ये कुक करके रिक्वेस्ट कर देता हूँ एक एंड डन, कोई बात नहीं। यहाँ मेरे को चाहिए अब ये वाली चीज़, ठीक है नंबर 1 पे मैं अटैक करूंगा। ऑलरेडी 114 स्टार हम स्कोर कर चुके, तो ट्रोजन इज रियली क्रेजी। सो अभी 0 स्टार से शुरू किया था और कहाँ 114 आ गए, क्या हम ये वॉर विन भी कर पाएंगे या नहीं वो भी देखते हैं। अभी एक अटैक अपन और थोड़ी देर में करने वाले हैं, यहाँ पर 5 मिनट बचे हुए। सो अब जो आखिरी अटैक होगा वो मेरे बिल्कुल एंडिंग में करने वाला हूँ
एंड वो नंबर वन वाले सिचुएशन पे करूंगा मैं, नंबर वन पे किसी ने गया तो नहीं है, चलिए मैं क्लेम कर लेता हूँ, आई एम गोइंग फॉर द नंबर वन, एंड देखते टैकल करते कैसा जाता है वो पता नहीं, बट बाकी यहाँ अटैक काफ़ी बढ़िया से चल रहे हैं, स्टार पे स्टार्स आ रहे हैं, एंड क्या लगता है गाइस ये वाला वॉर हम विन कर पाएंगे या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर से बता देना। करंटली 44 प्लेयर्स आर ऑनलाइन एंड एवरी वन इज जस्ट अटैकिंग अटैकिंग अटैकिंग, सारे लोअर बेसिस क्लियर हो चुके हैं, अपर बेसिस में टैक्स चल रहे हैं, सो गुड गोइंग, मैंने नंबर वन क्लेम करके रखा है एंड अपन चलेंगे बिल्कुल एंडिंग में, देखते 128 स्टार हो जाएगी क्या, सो वी नीड 11 मोर स्टार टू विन द वॉर, व्हाट यू गाइस कैन थिंक गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो यार, 39,000 फैमिली सब्सक्राइबर की होने वाली अपनी कंप्लीट, सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब, बाकी अभी देख सकते हो कितने अटैक रेगुलरली चल रहे, सो इट्स गोना बी क्रेजी, सो क्या लगता है विन होगा या लूज होगा, कमेंट करो फटाफट से जल्दी से बता दो, बाकी अभी मेरा एक और अटैक बचा हुआ है, बस वी जस्ट नीड 8 मोर स्टार्स टू जस्ट रॉक इनटू द वॉर एंड बाकी देखते भाई अभी, हाँ अमेजिंग चल रहा है यार, चारों तरफ अभी अटैक चल रहे हैं, 121 स्टार ऑलरेडी हम ले चुके हैं एंड मैं तो अब जाऊंगा, अच्छा अपोनेंट इज ऑल्सो जस्ट डूइंग अटैक, ओके फाइन, अरे अपोनेंट कितने भी अटैक कर ले हमारे योद्धाओं के सामने आप नहीं जीत सकते, हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे, तो भाई जीत रहे, अरे नंबर वन पे कोई और चला गया भाई, ये भी ठीक है, गजब बेइज्जती यार, कोई और चला गया अटैक, हमने तो क्लेम करके रखा था भैया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करते देखते क्या होगा, विन तो हो ही गया है भाई, अपोनेंट डिड 129, तो अपोनेंट भी काफी टक्कर देने की ट्राई कर रहा है, बाकी भाई ओके हियर वी गो 126, तो भाई जस्ट 3 मोर स्टार नीडेड टू विन, 3 मोर स्टार टू गॉट द विन, कम ऑन चेयर अप फॉर अवर टीम, एंड मेरा एक अटैक बचा हुआ है वो मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ, यहाँ आर्मी में सीसी नहीं मिल रहा, चलो मैं परचेस कर लेता हूँ लीव इट, एंड अब अपना एक और अटैक करेंगे अपन, बट वो विन कंफर्म होने के बाद 127, सो वी जस्ट नीड 128, वी जस्ट नीड वन मोर स्टार टू कम्पीट, एंड ऑलरेडी परसेंट में थोड़ा पीछे, हियर वी गो स्टार्स ऑन अ सेम फेज, सो 129 स्टार्स इज ऑलरेडी हैपन, एंड भाई अभी मेरा अटैक बचा हुआ है वो भी मैं करूँगा, मतलब मैं कर दूँ या करूँ या मतलब मैं एंडिंग में ही जाऊँगा यार, अब तो अब क्या ही रखा है, ये नंबर 9 को क्लियर कर दूंगा मैं जाकर, मैं देख रहा हूँ ये नंबर वन वाला अटैक जो चल रहा है ये मतलब क्या, मतलब कर देगा या मतलब नहीं करेगा या मतलब क्या क्या होने वाला है, मतलब यार मेरे को नहीं पता है यार, ये मतलब 3 हो जाएगा या नहीं होगा ब्रो, मेरे को नहीं पता है, फटाफट से आप लोग लाइक कर दो यार, जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो यार, कम ऑन यार, कम ऑन, फटाफट से लाइक वाले बटन को दबा दो, बाकी वॉर में अटैक बैक टू बैक चल रहे, वैसे ये मेरे हिसाब से तो कर देगा बंदा अटैक, 3 स्टार, 133 हो चुका है भाई, अपोनेंट ऑलरेडी डर चुका है 134, बट अपोनेंट इज ऑल्सो अटैकिंग, बट इतने स्टार हम आगे लीड में आ चुके हैं, अब अपोनेंट का वापस से बैक कर पाना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होने वाला है, सो भाई आप लोग जो भी देख रहे हो हिट द लाइक नाउ, एंड वी गाइज ईजिली क्रॉशिंग एनिमीज, अपोनेंट डिड 130, वी डिड 135, मेरा एक अटैक बचा हुआ है वो मैं यहाँ कर दूंगा अभी जाकर, लास्ट मोमेंट पे जाने का एक अलग ही स्वैग है ना ब्रो, तो वो स्वैग के साथ में अपन अटैक पर जाने वाले, मैं सोच रहा हूँ ये थोड़े अटैक थम जाए तो मैं भी अटैक कर दूँ, बट अब यार सोचने का टाइम गया है, चलो अब आप गेस करो, अभी देखो 135 स्टार है हमारे कितने होने वाले, वो आप गेस करो, हम जा रहे हैं अटैक पे, आप बता दो कि हमारे कितने स्टार स्कोर होगा, भाई ये तो हार्ड हार्ड बेसिस आ रहे हैं यार, ये तो गड़बड़ है भाई, यहाँ मेरे को चाहिए लॉक से अटैक करते, चलो ठीक है लॉक लॉन्चर के साथ अटैक करूँ, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग लॉग के साथ अटैक करें या फिर लॉग नहीं यार, लॉग के साथ नहीं करूँगा मैं, लॉग कई बार घपड़ा कर देता है भाई, यहाँ बारबेरियन किंग भी तो है, दिक्कत है भाई वो, बट डालना तो पड़ेगा, देखते हैं किंग से भी टैकल आउट करना पड़ेगा, एक विजिट डालता हूँ यहाँ मैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं, एक प्रॉपर सा फनल क्रिएट कर दे, प्यारा सा फनल क्रिएट कर दे, मजा आ जाए ऐसा, एंड ठीक है नाइस, एक विजर्ड आएगा इधर, वार्डन तो अपना बिल्कुल चंगा काम कर रहा है जी, यहाँ मैं डालूंगा एक ये और एक वॉल ब्रेकर, वहाँ मैं किंग डालूंगा, यहाँ यट्टी डालते हैं विद डबल ऑफ माय दिस, ताकि वो किंग यहाँ से टेक डाउन हो ही जाए,
बिकॉज टेकडाउन नहीं होगा तो दिक्कत है, ये यहाँ फ्रीज आएगा एक। अरे वार्डन एबिलिटी मत जाना प्लीज यार, प्लीज वार्डन का एबिलिटी मत जाना ब्रो, एबिलिटी चला गया ना तो दिक्कत है भाई। चलो मैं जंप यहीं कर दूंगा, बस तुम एबिलिटी तुम जाना मत ब्रो, एबिलिटी अगर तुम चले गए ना तो हम भाई कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। यार वी गो द वार्डन्स एबिलिटी एज वेल। चलो बढ़िया, अपना फ्लेम फ्लिंगर से लेकर के सब कुछ बढ़िया काम कर रही है। हियर वी गो द किंग्स एबिलिटी एंड सब कोर में है। हियर वी गो द रेज एंड मेरे को यहाँ एक मल्टी पे फ्रीज करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मैं यहाँ से स्क्वीज आउट कर पाऊँ अपने। सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब कोर में है। इधर से रॉयल चैम्पियन भी यूज़ कर लूँगा मैं विद द दिस थिंग एंड हियर वी गो द रेज ऑन द क्वीन। एंड क्वीन को डाई नहीं करवाना, TH मेरा लास्ट अप्रोच है क्योंकि ऑलरेडी अटैक टू स्टार अपन कर चुके हैं तो अभी अपन अपना अटैक करते हैं। यहाँ पर अब हीरोज बचे हुए, पीछे की तरफ से क्लियरिंग सब कुछ चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब क्वीन बाहर की तरफ ना जाए, इनर साइड से ही पुश करे तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा मेरे लिए भी एंड सबके लिए। हेड हंटर भी मैं पीछे डाल देता हूँ ताकि क्लियरिंग हो जाए। सो हियर वी गो, डन 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 डन, हियर वी गो द एबिलिटी, डन डन डन। अरे गो फॉर द टाउन हॉल गाइस, गो फॉर द टाउन हॉल इट सेल्फ, कम ऑन कम ऑन। यहाँ पर टाउन हॉल पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी पड़ गया है, साइड क्लियरिंग बहुत बढ़िया से चल रही है, बट अब देखते हैं थ्री होगा नहीं होगा, वो यहाँ पर देखने वाली चीज़ होगी। क्वीन अंदर आएगी, आई नीड माई क्वीन इन साइड द बेस, कम ऑन कम ऑन, हियर वी गो द एबिलिटी ऑफ माई क्वीन। टाउन हॉल यहाँ से टेक डाउन हो गया, ऑलमोस्ट डन। एंड भाई क्या हमारा दूसरा अटैक भी यहाँ से थ्री हो जाएगा या नहीं? जस्ट 13 सेकेंड इज लेफ्ट, येटी अपना काम कर रहा है, क्वीन भी अपना काम कर रही है, क्या क्वीन पॉइजन इफेक्ट के बाद भी इस अटैक को कर देगी थ्री? यप इट्स अ थ्री, सो डन बैम बूम बाम, अपन ने अपने दोनों अटैक थ्री कर दिए। एंड आप लोगों ने गैस किया स्टार्स कितना हुआ, वी डिड 144 ऑलरेडी, सो क्या ये परफेक्ट हो जाएगी? नहीं यार, वी मिस दिस नंबर 24 एंड 29, सो दो बेसिस मिस कर दिए भाई, अदरवाइज वी गोना रॉक द वॉर। एंड भाई वन मोर स्टार 145, सो अभी और कितना हाइप्ड अप होगा गाइस ये वाला वॉर। 145 स्टार ऑलरेडी कर चुके, 98.52% हो चुका है और अब एक ही अटैक चल रहा है, नहीं दो अटैक्स चल रहे हैं। सो अभी एक अटैक एश कर रहे और एक अटैक यहाँ पर नीर कर रहे, तो ये तो डेफिनेटली थ्री है। ये टाउन हॉल 15 वाला अपर साइड से नीचे क्लियर कर रहा है, बट नहीं ये बेस बच गया टाउन हॉल 14 का। माय गॉड, आई डोंट नो हाउ ही फेल। एश एश का अटैक देख लेते फटाफट से, यहाँ क्या चल रहा है। सो दैट अटैक इज डूइंग अ हाइब्रिड एंड इट्स अ परफेक्ट हाइब्रिड गाइस, इट्स अ 3 स्टार, बट टाइम फेल होने के चांसेस भी है। क्या हॉग राइडर इतनी मात्रा में है कि टाइम फेल ना हो? व्हाट डू यू थिंक? 30 सेकंड आर स्टिल अलाइव, क्वीन हिट कर रही है, जायंट बॉम्ब आ गया, ओ माय गॉड, I don't know, some Ograda is still alive, it's a triple. So, भाई काफी try hard लिया, काफी amazing attacks किए, so finally अब वो घड़ी आ गई है जब war का result आप देखोगे जैसे ये attack खत्म होगा। So, final score card दिखाने वाला हूं मैं आपको इस Trojan war का। Here we go guys. 99.28% हमारी तरफ से वॉर किया गया है, विक्ट्री हो गया 146 स्टार की तरफ से। एंड गाइस मेरी तरफ से मैंने पूरे 6 के 6 स्टार ला दिए अपनी टीम के लिए एंड काफ़ी अच्छा खेला। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ट्रोजन वॉर का, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी से करा दो 39,000 फिर 40K ब्रोस। थैंक यू ब्रो, आज नाइट जे क्लैश, लव यू ऑल।